ने किसी को भेजा है जो हथियार लेकर आएगा। चेक पोस्ट के पास किसी ने चाकू मारा है। सर मैं नहीं जानता ये किसने किया, ठीक है? एक काम करो, तुम उन दोनों बॉडीज को उठाकर स्कूल बस में डाल दो और निकल जाओ। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, ये बहुत जरूरी है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? एक काम करो, इन लोगों को जो जो क्लिनिक लेके जाओ, कहो कि इमरजेंसी है, जल्दी करो, और उनको अजय के साथ ही रहने दो। उनसे कह दो कि तुम जा रहे हो। तुम लोग निकल जाओ, मैं इन लोगों के साथ आता हूं। देख, मैं आया तो अपनी बेटी से मिलने के लिए था, मिल तो नहीं पाया, लेकिन तस्वीर तो देख ली, उसकी आवाज भी सुन ली। मैं चाहता हूं वो खुश रहे, और इस आदमी ने उसका ख्याल रखने का वादा किया है। क्या होगा अगर मैं यहां से चला गया, और इसे कुछ हो गया तो दोनों बेटियों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ तो फिर मेरा उसके साथ रहना जरूरी नहीं है, बल्कि उसका खुश रहना जरूरी है। देख, मैंने फैसला कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस आदमी की हिफाजत करूंगा। भाई तुम्हें क्या लगता है वो अच्छे स्कूल में पढ़ भी लेगी तो क्या अपने पापा के बिना खुश रह पाएगी? ये बात तो अभी नहीं समझेगा। क्या तू मेरी मदद करेगा? जब मैं जेल में था तो मैंने 3 साल वहां बेकरी में काम किया, जिसके मुझे कुछ पैसे मिले, तो मैंने सोचा उसके लिए क्या खरीदूं। तो मुझे याद आया कि गौरी को कान के झुमके बहुत पसंद थे, तो मैंने उसके लिए भी यही खरीद लिया। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम ये मेरी बेटी को दे देना, हाँ, संभाल के रखना। उसे कहना तेरे पापा ने दिया है। अगर पूछे कि मैं कहूं तो क्या कहेगा? जेल में पागल। तो और क्या कहूं भाई? दुबई में एक बहुत बड़ा पेंटर है। हाँ हाँ, बस में जा रहे हैं सर। हाँ, हॉस्पिटल ही जा रहे हैं सर, मैं राणा को बता दूंगा कौन सा हॉस्पिटल। ये उनके और पुलिस वालों के बीच का मामला है, उन्हें ही संभालने दो। अर्जुन अगर जिंदा बच गया तो हम सब पकड़े जाएंगे। सर उसे खत्म कर दो। मैं कैसे करूंगा सर? तुम डरो मत, अर्जुन के लोग आज रात कुछ भी नहीं कर सकते, हायर ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए खुलकर बात नहीं कर सकते। जैसा मैंने कहा है वैसा करो, बाद में संभाल लेंगे। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। ड्राइवर रोकना सर, रोकना रोकना। सर लगता है ये होश में आ गया। सर सर मुझे अच्छा फील हो रहा है सर, मैं आपके साथ आ जाऊं सर। मनोज मनोज, दर्द हो रहा है, सॉरी। सुनो, मैंने थप्पड़ मारा, सॉरी। सुनो, आई लव यू। क्या हुआ तेरे को? मैंने कहा था तुमसे, कहा था कि नहीं कहा था? सब तुम्हारी गलती है, मुझे चाबी दे दी होती तो ये आदमी जिंदा होता। सिर्फ ये आदमी नहीं, वो और वो भी, हर 30 लोग खड़े हैं। वो अंदर आ गए तो तुम्हारी क्या हालत करेंगे सोचा है? भैया, और 2 मिनट में चाबी अपने हाथ में होगी, अपना माल उठा के साथ में घर जाएंगे, साथ में। चाबी दे बे। Ha 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 ha!
सर, मनोज मर गया। सर, वो यहाँ रुका क्योंकि आपने उसे रुकने के लिए कहा। मुझे उन लोगों ने मार दिया सर। मनोज, मनोज। ए बिल्ला, बिल्ला, बिल्ला कुछ बोल। हमारी आवाज सुन रहे हो? ए बिल्ला उठो, चलो बिल्ला, बिल्ला, भाई, उन्होंने बिल्ला के साथ कुछ किया है, बिल्ला, भाई, ए बिल्ला, बिल्ला क्या हुआ? क्या? क्या क्या बिल्ला के साथ? पीछे जाओ, चेक करो, राम किधर हो? बोलना, ए राम, क्या हुआ बिल्ला? बिल्ला को क्या हुआ? देखो, ए, जाओ उधर से चेक करो, जाओ जल्दी, जल्दी। ए कौन? ए बिल्ला, तुम सब लोग मरोगे। बहुत पछताएगा। दरवाजा खोलो। एजाज अहमद। एक बार ये खदान पार कर जाएंगे तो शहर पहुंच जाएंगे। वहां से कमिश्नर के ऑफिस पास में है। सर, चाहे कुछ भी हो जाए, लॉरी से बाहर मत निकलना। ए सुनो तुम लोग, जिन पुलिस वालों को तुम ढूंढ रहे हो वो लॉरी में नहीं है। मैंने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। मेरा नाम शिवा है। मैं बात कर रहा हूं, आप पीछे रहिए। मैंने तुम्हारे आदमियों को मारा है, इसलिए जो भी हिसाब बराबर करना है। भाई, भाई। यही वो गद्दार था जिसको खबर देता। भाई, भाई, नहीं। ए, ए, इसकी गन में गोलियां नहीं है। जल्दी आओ, जल्दी। ए, जल्दी आओ, जल्दी, जल्दी। ए, मेरे खाना चाहो। पकड़ इसको। इसे खत्म कर दो। तूने स्कूल बस से उन्हें किस हॉस्पिटल में भेजा? मुझे नहीं पता। अच्छा, तुम्हें नहीं पता? हाँ, नहीं पता। जाकर शहर के सारे हॉस्पिटल को छान मारो। देखो वहाँ कोई स्कूल बस पार्क है कि नहीं। देखता हूँ वो कैसे बचते हैं। पहले इसे खत्म करते हैं। पत्थर फेंक। ए, तुम लोग अपना काम करके निकल जाओगे। अगर ये बच गया तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। मार देते हैं। उधर ना फेंक उसे। आ,
आदमी को फोन करके पूछ कहाँ है। मैं जो पूछ रहा हूँ जल्दी कर। भाई मुझे दीजिए, मैं संभालता हूँ। लाइए दीजिए मुझे। सर मेरे पॉकेट में गन है सर, लीजिए सर, निकाल लीजिए, टाइम नहीं है सर, जल्दी कीजिए। मुझे लगा था तुम पकड़े गए। I'm sorry. तुम्हें बहुत पहले चले जाना चाहिए था, मेरी वजह से तुम भी। दाढ़ी निकाल दोगे तो इसके जैसे ही दिखोगे, देखो। उसे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। अब समझे गद्दारी का अंजाम संपत। मेरा नाम संपत नहीं है, इजाज अहमद है, 2016 बैच एकेडमी टॉपर। 2 साल से मैं तेरे गैंग में हूँ और तुझे पता भी नहीं चला, तू 1 नंबर का बेवकूफ है। तू ठिकाने लगाओ इसे।